रमन नहीं होने देंगे, चिंता ना कर, मैं बैठा हूं, चिंता ना कर। फोन अपने साइलेंट कर ले जी। सारे सारे बहुत ही सत्कारयोग पत्रकार दोस्तों, आप सारे मीडिया का बहुत तय दिलों धन्यवाद करते हैं। आवाज़ नहीं आ रही क्या? पूरे दे पूरे सारे मीडिया कह रहे हैं। मैं इधर रख दो, इधर सत्कारयोग पत्रकार दोस्तों, आप सब ने लगातार लगभग 3 महीनों तो इस अंदोलन को बड़ी शिद्दत के नाल कवर कर रहे हो, देशों विदेशों के विच ले जा रहे हो। सलूट करता है समुचा संयुक्त किसान मोर्चा इस पत्रकारता नूं, साडी पंजाब दे पत्रकार वीरां नूं। अज एक गल बहुत अजीब तरह की गल जिहड़ी सामने आई है कि लगातार साढ़े जी मीडिया वालों नैगेटिविटी साढ़े अंदोलन के खिलाफ फैलाई जा रही थी, जिदे संबंध के एक बार राज्यपाल जी ने यह भी कहना पाया भी इन्हों के खिलाफ असी मतलब केस रजिस्टर करवावे जे यहोजा कुछ कर रहे हैं। लेकिन अज जो कुछ सामने आया वो चो ये निकल के गल आ रही है कि ये 3 वीर जोड़े खड़े ने यह जी मीडिया के पत्रकार ने, इन्हों को जी मीडिया का आइडेंटी कार्ड है, इस मेरे को कोई पत्र मतलब पत्रकारिता का आइडेंटी कार्ड नहीं है। इस लड़के की तो इस लड़के की आपस में जो चैट हो रही है मोबाइल पर, वो मोबाइल की जी चैट है वह बड़ी खतरनाक तरह की चैट है। वो तो ये कह रहे हैं कि अगर कांड हो गया तो उतों फटाफट निकलो। यदा मतलब कांड शब्द है जोड़ा आप सारे समझते हैं, बड़ा खतरनाक शब्द है। ये कहा गया, यह भी कहा गया बार बार ये वालों कहा जा रहा है कि उन्हां थावां की कवरेज लेनी है जिहड़ियां थावां खाली ने, खाली शो करना है कि मतलब क्राउड कितने रश शो नहीं करना। एक चैट दे विच इन्हां ने यह भी कहा भी तू लंगर च जा, लंगर च गया तो लंगर चों उन्हूं जवाब दिंदा चैट दे विच भी इहदा लंगर दे विच तां रश बहुत है, भरिया पिया काफ़ी रश है। उत्थों इहनूं इह कहा भी नहीं इहनूं छड्ड दे आपां रस्ते दी लै लांगे। तो मेरा मतलब की है कि मीडिया वालों जो इन्हां वालों साडे अंदोलन के खिलाफ नैगेटिविटी तो ये प्रति जो लोगों के भरम फैलाउण वालियां लगातार यतनशील है तो चाराजोरी की जा रही है, वो अज आप जी के मतलब सामने रूबरू करन दा परमात्मा ने मतलब मौका दिता है तो निकली है गल बाहर। तो मैं हुण इन्हां नाल गलबात तुहाडी करवाउणा है, ये अपने आप दसणगे कि किवें किवें दी चैट है, चैट तुहाडे तक भी असीं उपर दी करांगे, मुंडे नूं मैं कहूँगा पढ़ के सुना देणगे तुहानूं इस चैट दे विच जो कुछ है, और नाल दी नाल मतलब इन्हां दे उत्ते भी जिहड़े सवाल करने हैं। चलो ठीक है, इन्हां नूं मैं तुहाडे सामने लियाउणा है, तो तुसीं इन्हां दे उत्ते जिहड़े भी तरहां दा कोई तुहाडे मन दे विच सवाल आ वो सवाल करके तुसीं आपकी पाप किया है। हाँ हाँ, ये बात एक और बात बताऊँ मैं, जब हम ये कह रहे थे कि आइए भाई हम आपको कोई पीटना नहीं है, कोई मारना नहीं है, आप ईमानदारी से जो काम कर रहे हो वो बताओ, तो उन्होंने ये कहा कि हम मानते हैं कि हमने बहुत बड़ा पाप किया है, हमें मीडिया के सामने मत लेकर जाओ। मैंने कहा कि भाई हमारे पास एक ही तो हथियार है आपको नंगा निकल के दिखाने का, उस पर नहीं लेकर जाएंगे तो और हम आपको क्या कर पाएंगे। पुलिस को हम देने की इच्छा नहीं मान समझते कि पुलिस इसका क्या करेगी, कुछ नहीं होगा। आपके माध्यम से तो हाड़े जरिए दे नाल
पूरे देश दे विच पूरे वर्ल्ड दे विच इस गल ने निकल के बाहर जाना है। सो इसलिए इन्हां ने जो कुछ ये मन्ने ने माफिया भी मंगते रहे साढ़े पैरी हथ भी लाने की गल की भी सानू मीडिया के सामने ना करो, लेकिन असी महसूस करते हैं कि तुसी लगातार बहुत जोर ला रहे हो। अगर असी अज एड्डी वड्डी गल फड़ी है अगर उन्हों असी नहीं मीडिया के सामने लेके जावे तो जिंदा बड़ा देश के लोगों के नाल ये लोग गदारी कर रहे हैं वो कि ना कि असी भी भागीदार बनेंगे कि अगर असी यदा मतलब खुलासा ना कर सकेंगे तो इस करके तुहाडे सामने सारे पत्रकार वीरां दे लैके आंदा है और इन्हां दे नाल तुसीं मतलब गलबात दे राहीं गलबात पुछो। आओ जी इत्थे सर बारी बारी सर पहले आप पहले आप आइए एक एक करा इसके पास कोई आईडी आई कार्ड नहीं ये भी चेक कर लो जमा कर सर क्या बात है क्या कर रहे हैं बताओ सर। तो पत्रकार पूछ लेंगे मेरा नाम सौरभ है उची उची और कैमरा मैन हूँ मैं और मैं शूट करने आया था हमारे साथ रिपोर्टर पत्रकार थे हितेन जी तो मैं पंडाल जी का पीछे से शॉट ले रहा था मैं और पब्लिक भी थी और ऐसा कुछ नहीं कि मैं गलत दिखा रहा हूँ तो मुझे पाजी पीछे से एक बंदा भाई हमारा मिला कि भाई कहाँ से हैं आप तो मैंने कहा मैं YouTube से हूँ और काम कर रहा हूँ ऑनलाइन शूट तो मुझे थोड़ा सा हो रहा हिचका आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ मैं समझ नहीं आ रहा क्योंकि हमारे साथ रिपोर्टर पत्रकार नहीं था मेरे साथ तो ये मुझे पकड़ के बोले कि आप कहीं कहाँ से हैं बराबर बोल रहे थे मैं बोल नहीं पा रहा हूँ जो भी है मेरा रिपोर्टर है वही बता पाएगा मैं इतना कह नहीं सकता मुझे जो कहा गया था मैं शूट किया और शूट के पहला ही किया जो मुझे पकड़ लिया नहीं मेरा ऑफिस का आई कार्ड नहीं है नहीं मैं कुछ नहीं मैं एक्चुअली आया ही था फिर अंदर कुछ नहीं है मेरे पास खाली कैमरा था और कुछ नहीं और रिपोर्ट मेरे साथ रिटेन रिपोर्टर है उसने पीछे खड़े मैं जी के लिए कर रहा हूँ जी हिंदुस्तान एक चैनल है उसके लिए मैं कर रहा हूँ मेरे साथ रिपोर्टर है और कुछ नहीं है आपका अपना आई कार्ड कितने है मेरा आई कार्ड है नहीं है मैं एक्चुअली गाड़ी में ही रह गया मैं निकालना भूल गया क्योंकि आई कार्ड है गाड़ी में है ऐसा गाड़ी में है आई कार्ड गाड़ी में है मेरे को पता है जी आई कार्ड की फोटो होगी आपके फोन में होगी तो मैं आपको अभी फोन में मेरे पास फोन नहीं फोन इनके पास ही है मेरे पास नहीं है आपको खाली स्थान की वीडियो बनाने के लिए बोला गया नेगेटिविटी फैलाने के लिए नेगेटिविटी फैलाने के लिए लोगों में आपको खाली लंगरों की खाली स्थानों की वीडियो बनाने के लिए बोला गया मुझे मुझे ऐसा नहीं है मेरे पास एक्चुअली चैट है वो चैट है मेरे को उससे पहले मुझे ही पकड़ लिया गया है कि आप कर क्या रहे मैं उसी टाइम इन लोगों ने कि ये एक्चुअली देख रहे थे कहाँ पर इसने हमने देखा नहीं तो मुझे मिले नहीं ना ये मुझे मिले तो इन्होंने चैट किया चैट देखा तो पाजी के हाथ में आप मान रहे हो कि वो वीडियो बनाने से पहले आपको पकड़ लिया खाली मैंने प्लानिंग हुई होगी ना पहले तीनों की भी प्लानिंग हुई होगी आपकी प्लान कैप्चर करना है क्या नहीं करना नहीं ऐसा कुछ नहीं हम जाके हम देख रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना बाद में इन्होंने चैट किया मुझे उसके बारे में जो है चैट पे लिखा हुआ मैंने लिखा नहीं मैंने चैट पे आपने जवाब दिया है ना इसने जी चैट है खाली की लैनी है ये लंगर की नहीं लैनी वो मैसेज किया इसको कुछ नहीं पता मुझे कुछ नहीं मालूम मुझे कुछ नहीं मालूम मुझे खाली कैमरा दिया गया शूट करने हम नहीं आए थे प्लीज एक मिनट इनको भी बुलाएंगे धीरे से कोई चिंता की बात नहीं है किसी को कोई कुछ नहीं कहेगा वो तो पत्रकार है सभी इसमें कोई दोबारा नहीं है ये बात पूछना चाहते हैं भाई साहब कि चैट हुई है चैट का मतलब होता है आपकी और उनकी बातचीत हो रही है व्हाट्सएप पे बातचीत आपने एक मिनट वो पकड़े जाने के बाद की बात भाई मैं बेनती प्लीज पकड़ के तो वहाँ इसे यहाँ लेकर आए लेकिन चैट में ये बात कही गई है कि वो कही है मैंने मेरी बात खाली पंडाल दिखाना खाली लंगर दिखाना क्यों कही है मैं सारी बात बता रहा हूँ जो सच है वो बता रहा हूँ ठीक है हाँ जी मेरा नाम हितेन है मैं आया था विजुअल बनाने अंदर
एक बजे के बाद मैंने पहले कहा कि हम पहले माहौल देख लेते क्या है क्या नहीं। देखा तो भीड़ मुझे, मैं पहले दिन से आंदोलन कवर कर रहा हूँ तो भीड़ मुझे लगभग 60-70% कम लगी, और मुझे पता नहीं था कि ये तब तक पकड़ा गया है। तो मैंने इसको कहा कि इस तरह से थोड़े शॉर्ट्स ले लेना कि खाली लग रहा है माहौल, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 दिनों से आप सारे नेशनल चैनल पर देख रहे होंगे कि कितने खाली विजुअल चल रहे हैं। वो तो कभी मैंने बनाए भी नहीं और वो आज बनते भी नहीं क्योंकि मंच पे ऑलरेडी भीड़ है। तो लंगर के साइड थोड़ी भीड़ कम थी, तो मैंने कहा कि लंगर के साइड भीड़ कम है, वहाँ के भी बना लेना, क्योंकि पहले भीड़ होती थी, अब वो भीड़ जाती जा रही है। तो मैं स्टोरी यही करने आया था कि आखिरकार लोग जा क्यों रहे, भीड़ क्यों कम हो रही है। उतने में इन्होंने पकड़ लिया, फ़ोन ले लिए, आई कार्ड ले लिया, कैमरा इनके पास है, रिपल इनके पास है। कान शब्द का ये मतलब है कि पहले दिन से आप सबको पता है कि राष्ट्रीय चैनल से कितना विरोध हो रहा है यहाँ पे। राष्ट्रीय चैनल का मैं मार खाया हूँ 7 जनवरी को, मेरे साथ जो महिला कलीग थी उसके साथ क्या क्या हुआ है वो सब कुछ ग्रुप में लिखा गया था। उसके बाद से विरोध बहुत बढ़ गया है। कान शब्द का ये था कि मैंने कुछ पकड़ा जाए, कुछ हो जाए तो भाई तू बच के निकल लेना क्योंकि यहाँ मारते हैं। इसलिए मैंने कहा कि कांड हो जाए तो बच के निकल लेना। कांड कर दिया, कांड कर लेना खाली। मैंने कहा, आप पढ़ लीजिए मैंने क्या कहा, कि कांड हो जाए तो निकल लेना बच के। आज स्टेज पर इसी, हाँ स्टेज भरी हुई है, पंडाल भरा हुआ है ना, जो भी विजुअल है देखिए ना, जो शॉट क्यों नहीं लिया है ना, लिया है, आप देखो ना कैमरे में। नहीं आप कह रहे हैं साफ, आप कैमरे में देखिए ना, चेक किया उसमें कोई शॉट नहीं है, कांड करके निकल जाना, छुपा के कैमरा, दिल्ली का जो लंगर है वहाँ पे छुपा के कैमरा, एक साइड पे ये बंदा खड़ा था। हम क्या क्या विजुअल लिए तुमने, यहाँ पे हर घंटे आधे घंटे बाद सिक्योरिटी चेक करते हैं, यहाँ एक लॉन्ग शॉट लिया है उतने में वो पकड़ा गया, विजुअल बनने ही नहीं दिया गया, विजुअल बनने ही नहीं दिया गया, बिना आई कार्ड क्यों नहीं, आई कार्ड है, आई कार्ड है, गाड़ी में रह गया वो, मेरे पास है ना, ये रहा मेरा आई कार्ड, रह गया ये देख लो, ये मेरा आई कार्ड, दोनों तो आप जान दे, पता हम टीवी कर दे, पहले दिन से मैं इस आंदोलन को कवर कर रहा हूँ। एक कांड शब्द पर कांड, एक कांड शब्द से क्या मतलब निकाल रहे आप बताइए ना, मैं भी पत्रकारी हूँ, समझ रही है, कांड शब्द बहुत नेगेटिव है, बताइए ना, मैं भी पत्रकारी हूँ, बहुत नेगेटिव, क्या नेगेटिविटी, हाँ कांड क्या होता है, क्या होता है, कांड मतलब हम अपने आपस में बात नहीं कर सकते, जैसे आप और अपना खुद का कैमरामैन आपका आपस में बात करते हैं, काम क्यों नहीं लिखा, काम क्यों नहीं लिखा, काम करके लिखा, कांड क्यों लिखा, क्यों कांड मतलब मैंने उस सेंस में लिखा उसको कि तू पकड़ा जाए या मारे ये लोग तो बच के निकल लेना, मारे क्यों, मुझे चाचा मारा है उसने कहा गया ये रहा, नहीं नहीं किसी ने मारा, झूठ बोल रहा, झूठ मत बोलना, ये आपकी चैटिंग है यहाँ पे, एक मिनट यार, मैं सब कुछ कबूल कर रहा हूँ, चैटिंग क्यों दिखा रहे हो, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने लिखा है, आज फड़न तो आपने लिखा हुआ है, आज फड़न तो किसी ने थोड़ा गाड़ो गाड़ी हो या कोई मारकुट हुई है आज, हाँ इस भाई ने हाथ उठाया, मेरे भाई ने मनोज जी, पाजी आप उतने सिंह के साथ बोलने में बैठे थे, इसने हाथ उठाया मेरे ऊपर, ये पूछिए इनको, नहीं मारा, आप मुझे बताइए उसने मारा कि नहीं मारा, आप मुझे बताइए मारा कि नहीं मारा, जो मैं पूछ रहा हूँ वो तो बताऊँ, मैं मेडिकल करवाऊंगा, करवाओ मेरा फोन दीजिए, मैं पुलिस बुला रहा हूँ, तो हम बुलाएंगे, बारे गल करिए जी, इन्हें चैटिंग की है, जवाब दो सर, हाँ जी ये है कि भी सेंड मी लोकेशन, मैं वो ही जगह खड़ा हूँ जहाँ था, कहाँ हूँ, ये इसने कहा है, उसने कहा रुक जाओ वहीं, कहाँ हो गया, हाँ सौरभ ने, ठीक है उमेश आपका नाम है ना, जितेंद्र नाम है मेरा, ठीक है खाली खाली पड़ा है, वैसे विजुअल्स बनाना मैंने कहा है, ठीक है लंगर भी खाली है वैसे, हाँ। उसने कहा कि ठीक है, मैंने वही तो बात बोली है अभी, यही इसकी प्रॉब्लम है, ये हटता नहीं है, फिर हमने इसको रोका के भाई बात तो सुन ले पहले, भाई आप फिर ये बोल रहे हैं कि हमने इसको मारा है, बोलिए, ये बोलने नहीं देता, मैं भी आ जाता हूँ, और बताओ कहाँ हो, बताओ, जस्ट अभी स्टेज कवर किया है, और क्या करना है, कहना लंगर को, उसने मैसेज किया कि
फुल रश है लंगर में, ठीक है। बाकी लेफ्ट साइड से चलते चलते रोड रख लेंगे, अभी तो खाली पड़ा था, ठीक है। कहाँ पर, फिर उसने कहा, ठीक है, मीन्स की पहले वाली भीड़ नहीं है, ठीक है। अगर मैं, अगर कुछ कांड हुआ तो आ जाना, इसने कहा, स्टेज के पास वाले लंगर के पास, इसने कहा भी उत्थे जा, है ना। फिर इसने कहा कि अगर कांड हुआ तो आप आ जाना, खाली लंगर कहाँ है, अभी तो स्टेज फुल है। तो जहाँ से हमने एंट्री ली लिए वहाँ राइट में लंगर है, आ जाओ, इतना काफ़ी है, रुको। उसने कहा कि रुको, और कुछ और भी है इसमें, कहा निकलते ही फालतू में कांड नहीं करना, आ जाओ। फिर इसने कहा, हाँ फिर इसने कहा कांड हो गया तो मैं फोन करूंगा। इसने पूछा कहाँ हो, इसने कहा कि अभी आ जाओ। इसने कहा अभी, इसने कहा अब बहुत हुआ। फिर इसने कहा कि कहाँ हो, अपनी लोकेशन सेंड करो। फिर इसने कहा वो लंगर के विजुअल्स बनाओ, खाली है, ठीक है। किस लंगर के, इसने कहा वो, और बैरिकेड से आगे आओ, मैं मिल जाऊंगा। फिर इसने कहा स्टेज के साथ एक रेस्टोरेंट है, वहां आ जाओ, जहां पे इसको पकड़ लिया था जब हमने। फिर उसके बाद इसके मैसेज आए, पकड़ा गया था भाई, ये चैटिंग मेरी बात सुन लिया था, पकड़ा गया था ये बस। फिर आपने, आप दोनों पीछे आओ, कार के पास चलना है, अब बाहर जाना है, ऑफिस फोन कर रहे हैं लाइव के लिए, चलो आ जाओ, आ रहे हो ना, ऑफिस के ऑफिस से कॉल आ रहे हैं, सौरभ भाई आ जाओ, चलो जितना भी है बहुत है, आ जाओ। जब जो इसने बताया कि वहाँ बॉस ने, तुम कहाँ हो, कर दो कांड आज ही, बॉस ने यस कर दिया है, पूरे जी की टीम रेडी है, कर दो। ये हमारे चैट नहीं है, ये आप लिख रहे थे, ये आप लिख रहे थे, फोन मेरा इनके हाथ में था और वो लिख रहे थे, फोन आपके पास ही, देखो 2 मिनट थे आपका मैसेज, पेमेंट ट्रांसफर कर दिया नहीं, कितने बजे का बताओ, टाइम बताओ, फोन आपने, फोन लिए थे, देखो हाँ ये देखो, कॉल मी 13:49, ठीक है, कहा हो मैं INALD के ऑफिस के पास हूँ, उसके बाद पंजाबी जायका होटल के आगे, तुम कहा हो, ठीक है, ये 13:55 फोन है, एक मिनट ने बात भी की है फोन से, एक मिनट उसी टाइम, एक मिनट बात की है, आप बात ही नहीं सुनते हो, फिर कहते हो लोग, मेरा फोन जब से मैं एंटर हुआ हूँ, देखिए 13:55 को मेरा लास्ट मैसेज था इस व्यक्ति को, मेरे कैमरामैन को, उसके बाद यही भाई साहब मुझे अंदर लेके आए, और उसके बाद ये मैसेज है, देखो कर दो कांड आज ही, 14:13 पे, जब मेरा फोन उस व्यक्ति के पास है, ये मैसेज मैं कहाँ से करूंगा, मेरा फोन उस व्यक्ति के पास है, मेरा फोन, मेरा ICARD वाले इनके हाथ में था, ताकि नहीं सर, मेरे सब कुछ सामान आपके पास, ताकि नहीं, ये बताइए सर, फोन दोनों का इनके पास है, फोन दोनों का इनके पास है, आप देख लो वहाँ CCTV लगाए सामने, लगाए उस कमरे में CCTV, देखिए, चलो एक मिनट, चलो चेक करो, भाई साहब 13:55 को मेरा आखिरी मैसेज था, फिर मैं अंदर आया हूँ, मेरा फोन, ये गलत हो रहा है रमन भाई, आप समझ रहे हो ये क्या खेल हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, पहले आपसे बात कर रहा, मैं जब सब कुछ सच बोल दिया तो फिर आप ये क्या किए, हाँ कौन कांप रहा है, ये क्या कर रहे हो, तेज ना नहीं, आराम से अपना पहले, आपको तेज ना हो, आराम से बात रखो, लेकिन मुझे ये बताइए कि जब मैं 13:55 पे मैं अंदर आया, मेरा फोन ICARD, एक मिनट, एक मिनट पहले मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए, पहले जो हम पूछ रहे हैं ना भाई साहब, पहले पूरी बात सुन लीजिए, ये आगे के 3-4 मैसेज जो झूठे हैं उसको पहले आप एक्सप्लेन करवाइए, जो आगे के, चलो कांड में कह रहा हूँ, कांड मैंने कांड उस सेंस में नहीं लिखा, एक मिनट,
नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने उसको चलो कांड शब्द मैंने यूज किया, गलत यूज किया, वो मैं मेरी गलती हो गई, मैं माफी का माफी। हाँ एक मिनट, मैंने वही पहले सबसे पहले वही कहा कि मैं आया, मैंने माहौल देखा कि भीड़ कम है पहले के मुकाबले, तो मैंने कहा कि वही विजुअल बनाओ कि आखिरकार स्टोरी यही है कि भीड़ क्या क्यों कम हो रही है। नहीं ये नहीं कहा, ये नहीं कहा खाली का बनाना है, ये नहीं कहा मैंने, आपने जो पूछा ना ये नहीं कहा मैंने, मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि भाई पहले के मुकाबले भीड़ कम है वो विजुअल दिखाओ। नहीं दो चीजें, लेकिन एक मिनट एक पंडाल खाली। सर मेरी बात सुनिए, ये जो भी चैट हो रही थी ना ये उसके पकड़े जाने के बाद की चैट थी, वो रिकॉर्ड ही कर नहीं पा रहा था। कांड करो निकलो खाली दिखाओ। एक मिनट अब हो गया, अब आप भी थोड़ी, अब आप भी थोड़ी पत्रकारिता का धर्म निभा लीजिए आप लोग भी। मैं भी उम्मीद करूंगा, मैं भी उम्मीद करूंगा कि ये 13:55 पर मेरा आखिरी मैसेज है तुम कहा हो, फिर मैं अंदर आया हूँ, फिर ये 14:13 पर ये मैसेज जो किए गए है, ये मैसेज इन लोगों ने अपने हाथों से किए है, इन लोगों ने अपने हाथों से किए है, इन लोगों ने अपने हाथों से किए है। दोनों के फोन उनके पास है, पासवर्ड उसके पास पासवर्ड भाई साहब पासवर्ड भी उसके पास था, पासवर्ड भी आपके हाथ की कॉपी मेरे को देख, पासवर्ड भी उसके पास है। इनको मैंने पूछा कि भाई साहब आप यहाँ पे कैमरा क्यों लेके खड़े हो, बहुत खूबसूरत स्टेज बनाया हुआ है, आप ये इशू यहाँ पे जो है ना मेरा फोन पड़ा, आप बताइए, आप बताइए, आपने बोला कि नहीं हमने पाप किया, आपने बोला कि हमने पाप हुआ, कुछ भी नहीं बताइए। पांच मैसेज जो है ना ये इस लड़के ये मैंने नहीं लिखा, सबसे ईमानदार इंसान है, माना है कि मैंने गलती की है। देखो रूटीन मीडिया कवरेज के लिए आए थे और कवरेज करने की कोशिश कर रहे थे, और जो जो भाई रूटीन कवरेज के लिए आए थे हम, जो होता है लाइव, जो सीन होता है लाइव दिखाने के लिए प्रयास किया था, ठीक है। जैसे ही एंट्री की, दो विजुअल बनाए, तीसरा स्टेशन के पास है, भाई को पकड़ लिया, फिर भाई मैं मेरे टैबलेट लेने के चला गया था, मैं इसलिए लेट हो गई, तो भाई ने फोन किया कि यार वो मुझे पकड़ लिया, आओ, तो मैं आ गया तुरंत। आपने ऐसा क्यों कहा कि मेरे से पाप हो गया, ये तो माना है ना आपने, वो गलत बता रहे हैं। क्या गलत? नहीं आपने बात किस सेंस में की, आपने कहा कि ये सब इतने तीन महीने से, नहीं कहा तीन महीने से हो रहा है, आपने कहा तीन महीने से हो रहा है, मैंने कहा बहुत बड़ा पाप हो रहा है, तो बात गलत क्या है? मैं क्लियर करता सुनो की होया, असि ये गल कही भी देखो 3 महीने हो गए इथे, 2 महीने हो गए पंजाब च, इस अंदोलन चली जांदे आ, और पूरा देश इस वेले पूरा देश तबाह होण जा रहा है, तो यार तुसी किड्डा वड्डी गलती करी जांदे हो, पूरा देश तबाह होण करन वाले लोकां दे पक्ष भुगत रहे हो तुसी। उस वेले मुंडे ने गल कही है कि ये मैं मानता हूँ हमारे से ये बहुत बड़ा पाप हुआ,
ठीक है बात, अब ये बात कही है ना, ये बात कही है, पहले कही है, पहले दिन से ही खाली का सारा वीडियो दिखा रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो पहली बार आया, मुझे भी नहीं पता, मैं तो पहली बार आया, मुझे नहीं पता, मैं पहली बार आया। ओके, मैं तो पहली, मुझे नहीं पता। ठीक है जी, क्लियर हो गया। यहाँ पे जो वीडियो हमने बनाए हैं वो खाली जो थे लंगर के, जथेबंदियां नु सवाल, तुसी हुण इहदे पर की एक्शन लैण जा रहे हो सानू ओह दसो। असीं इक तां हुण इहनां नु पुलिस दे हवाले करावांगे। और उस तो बाद असी अफसर भी गल करांगे और सारी गल जिहड़ी पूरे देश दे विच हरियाणा सरकार पत्रकारां नाल कोई धक्का नहीं होगा, कोई बधिकता नहीं करोगे, बिल्कुल सब तो पहला तुसी पुछिया कि भाई इन्होंने तेनू फड़िया तेरे नाल किसे तरह की कोई धक्का कोई वधीकी हुई? इन्हें मन्या मतलब की निकलता है कि मारन का कुटन की कोई भावना नहीं है, बहुत बड़ी शक्ति खड़े हो, ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖੜੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਰਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਚੈਨਲ ਹੋਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੀਡੀਆ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਕਣਾ ਲਾ ਲੂਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਵੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਗਲਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛਡਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਰ ਪੀਡੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ।